दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपने देखा कि हरियाणा ने लॉकडाउन लगाया और यूपी गवर्नमेंट ने भी अभी 2 और दिनों का लॉकडाउन जो है इसको एक्सटेंड कर दिया है। दिल्ली में 1 वीक और लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में ऑनगोइंग लॉकडाउन ऑलरेडी चल रहा है। मतलब 4 लाख केसेस नियर अबाउट हो चुके हैं और ऐसा एक्सपर्ट ने कहा है कि ये जो मई मंथ है ये बहुत ज़्यादा पीक पर जाएगा। इसी कारणवश अभी सुप्रीम कोर्ट की भी रिकमेंडेशन आई है कि संपूर्ण लॉकडाउन को देखना चाहिए और इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। अब आगे के स्टेजेस में देखते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि ये एक स्टेट का मैटर है और स्टेट अपने तरीके से चीज़ों को देखे और लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है वो स्टेट को डिसाइड करना है, क्योंकि इतनी हैवी तरीके से जो लोगों की मौत हो रही है और लगातार जो रिसोर्सेज की कमी चल रही है, इसके कारण पूरा जो सिस्टम है हेल्थ स्ट्रक्चर वो दोस्तों अभी डगमगा चुका है। और मैं आप सभी से यही विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना ध्यान खुद रखें, क्योंकि बाहर रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। आप बेटर होगा कि अपने घर में रहें और जब बहुत ही ज़रूरी हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, वरना जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उनके साथ में ही अपने आप को रखें। और बेटर है कि अपनी स्टडी कॉन्टिन्यूस मोड में आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है अगर दोस्तों आप बाहर निकलें तो फिर संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। और मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्तों और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी मैंने कहानियाँ सुनी है कि भाई किस तरीके से वो उन्होंने इस टाइम को फेस किया है। एक आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिसने अपने फादर अपने सिस्टर इन दोनों लोगों को खोया, और इस दौरान मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि कोई भी बाहर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। बेटर है घर में रहें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, और ये 1-2 महीने का टाइम है, कट जाएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन भी होंगे, सब कुछ होगा और आगे स्मूथली लाइफ हमारी कंटिन्यू जरूर रहेगी।